फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? कुर्सियां भी तो नहीं आया। राजा की मर्जियों मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी, कहीं भी खौफ के बाल नहीं बनाएंगे। सारे देश की तरह कल ये गांव भी नाचेगा, गाएगा, खुशियां मनाएगा। कल यहाँ भी अपना तिरंगा लहराएगा। कल के लिए एक बड़ा तिरंगा बनाया जाए, क्योंकि कल एक बच्चे की नहीं आदमी की बलि दी जाएगी। आदमी और फिर बड़े मुद्दे की एक कफन में तो बड़ा ही होना चाहिए ना। अच्छा तो ये झंडा तूने लगाया है, लगा रहा तो तुमको चाहिए था। लेकिन अच्छे काम करना हर किसी की तकदीर में नहीं होता। तकदीर हमारी तकदीर कौन लिखेगा? क्योंकि सारे जहां की तकदीरें तो हम लिखते हैं हम, और इसलिए तेरी तकदीर में आज हमने ये कफन लिख दिया है। लेकिन तुम्हारी तकदीर में तो कफन भी नहीं है। कफन सिर्फ इंसानों के नसीब में होता है। इंसान आता नंगा जरूर है, लेकिन जाता कफन पहनकर। लेकिन कुत्ते आते भी नंगे और जाते भी नंगे। तुम एक कुत्ते हो और कुत्ते की मौत मरोगे। अपनी ताकत का झूठा भ्रम दिखाकर इन मासूम गांव वालों को बहकाने वाले पुलिसिये कुत्ते कुत्ते की मौत मरना क्या होता है, ये आज हम तुझे बताएंगे। मेरे इन आदमियों के हाथों में मशीन गने हैं, और एक एक मशीन गन में 100-100 गोलियां हैं, जो मेरे इशारे पर तेरे शरीर को छल्ले करके तेरी हड्डियों तक को नंगा कर देंगी। तो इस दुनिया में आया भी नंगा, जाएगा भी नंगा। अर्जुन टांगे, तू राजा जयचंद की ताकत को नहीं जानता, और तू भी एक हिंदुस्तान की हिम्मत को नहीं जानता। ये मत समझ कि मैं अकेला रह गया तो हार गया। मेरे साथ सारा गांव है, सारा देश है। मिशन गनों की जगह तोपे लगा ले, और तोपे में एक एक की जगह हजार हजार गोले भर दे, और बुला ले देश के सारे गद्दारों को, इकट्ठा कर ले अपनी सारी ताकत को, और हो जाने दे फैसला। देखता हूं कौन जीतता है, देश के दुश्मनों की ताकत या एक देशभक्त की हिम्मत। देशभक्त है? देशभक्त की हिम्मत? धन्यवाद।
हिंदुस्तानी बंदर देखा है हिंदुस्तानी का कमाल। अबे साले, मेरा नाम है राणोजीराव रामोजीराव शिवाजीराव गायकवाड़ जाड़ी चुमुल अर्जुन ठांगे। अरे देशभक्त की हिम्मत तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तेरी सौ सौ गोलियां वाली फूल जड़िया एक मामूली से देशभक्त का जिस्म भी नहीं चू सकी। क्या इसी ताकत की भ्रम पर तो इस धरती का खुदा बना हुआ था? सारे जहां की तकदीर लिखने वाले, आज तेरी तकदीर हमारे हिंदुस्तान के ये छोटे से गांव के ये मासूम लोग लिखेंगे। और उससे पहले तेरी आंखों के सामने इस तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मनाया जाएगा। बड़ी देर से बंदर की तरह गुलाटी लगा रहा था। अरे ये कोई रावण की लंका थोड़ी है जो कोई हनुमान आकर उसे जला दे। ये हमारा राजनगर है, हमारा राजनगर। यहाँ राजा का बाजा कोई नहीं बजा सकता। राजा ही सबसे बजा सकता है। तूने मेरा ये झंडा उतारा था, अब तू ही मेरा ये झंडा लगाएगा। तेरी गोलियां सिर्फ मेरी जिस्म को चलने कर सकती है, मेरी हिम्मत को नहीं। मेरे जीजे जी, ये झंडा नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मारो शरण को। शर्म तो आनी ही चाहिए, शर्म तो बहुत जरूरी है। क्यों बोल, तू झंडा उतारता है या सब गांव वालों के सामने तेरी बीवी के मैं कपड़े उतारू उतारू बोल उतारू कपड़े। Thank you.
दोस्तों,